मानव जीवन के इतिहास में मेडिकल साइंस ने बड़ी सफलता हासिल की है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के सहयोग से दुनिया का पहला थ्री पेरेंट्स वाला बेबी पैदा हुआ है। इस बच्चे की खासियत ये है कि इसे किसी भी तरह की जेनेटिक बीमारी नहीं होगी। विज्ञान के करिश्मों को आज पूरी दुनिया देख रही है, चाहे अंतरिक्ष में मंगल और चांद तक सफर तय करना हो या मेडिकल के क्षेत्र में अनोखे कारनामे करने का। मेडिकल साइंस ने हर क्षेत्र में तरक्की के साथ अनोखी सफलताएं भी हासिल की हैं। अब मेडिकल साइंस में वैज्ञानिकों ने अनोखा चमत्कार किया है। इंग्लैंड में सुपर बेबी ने जन्म लिया है। वैज्ञानिकों का इस बच्चे के बारे में कहना है कि इस खास बच्चे को किसी भी तरह की जेनेटिक बीमारी नहीं होगी, साथ ही इसके भीतर ऐसा कोई नुकसानदेह जेनेटिक म्यूटेशन नहीं पनपेगा जिसका इलाज ना किया जा सके। इंग्लैंड में पैदा हुए बच्चे का डीएनए तीन लोगों से मिलाकर बनाया गया है। माता पिता के डीएनए के अलावा इस बच्चे में तीसरे इंसान का डीएनए भी डाला गया है। डीएनए की खासियत को बरकरार रखने के लिए IVF तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस बच्चे को माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट तकनीक से विकसित किया गया है। बता दें कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक स्वस्थ महिला के अंडों से ऊतक लेकर IVF भ्रूण तैयार किया था। इस भ्रूण में बायोलॉजिकल माता पिता के स्पर्म और अंडों के कोशिकाओं पर पावर हाउस के साथ मिलाया गया। माता पिता के डीएनए के अलावा बच्चे के शरीर में तीसरी महिला डोनर के जेनेटिक मटेरियल में से 37 जीन को डाला गया। इसके बाद ये थ्री पेरेंट्स बेबी तैयार हुआ है। वैज्ञानिक भाषा में इस पद्धति को माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट कहा जाता है। इस पद्धति को इंग्लैंड के डॉक्टरों ने विकसित किया है। ये बच्चा भी इंग्लैंड के ही न्यूकैसल फर्टिलिटी सेंटर में पैदा किया गया है। दुनिया में करीब हर 6,000 में से एक बच्चा माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों यानी गंभीर जेनेटिक बीमारियों से पीड़ित है। इस बच्चे को बनाने के पीछे वैज्ञानिकों का मकसद यही था कि माता पिता की जेनेटिक बीमारियां बच्चे में ट्रांसफर ना हो। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का कहना है कि इस प्रक्रिया में काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। मेडिकल साइंस के नज़रिए से इस प्रक्रिया में कई तरह की चुनौतियों का खतरा भी रहता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।